देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 नए मामले सामने आए और 10,827 मरीज ठीक हुए हैं। अभी देश में कोरोना के 65,286 एक्टिव केस हैं। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल हो रहा है। दिल्ली में भी रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत NCR के दूसरे इलाकों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भले ही इजाफा हो रहा हो, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में है। बस लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि दिल्ली में बुधवार को कोविड के 1767 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण से 6 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली। विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर में संक्रमण दर 28.63% रही। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड से और 6 लोगों की मौत होने के बाद यहां महामारी से मरने वालों लोगों की संख्या बढ़कर 26,578 हो गई है। दिल्ली में मंगलवार को कोविड के 1537 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 26.54% दर्ज की गई थी। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए। मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि कोविड-19 के 1,100 नए मामले के साथ महाराष्ट्र सरकार ने गंभीर मामलों के इलाज के लिए दूसरे सभी व्यवस्थाओं के साथ मरीजों के लिए 25 समर्पित अस्पताल शुरू किए। कोविड-19 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए महाजन ने राज्य की सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डीन के अलावा डॉक्टर अश्विनी जोशी, डॉक्टर चंदन वाले अपने विभाग सहित शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। महाराष्ट्र के चिकित्सक शिक्षा मंत्री गिरिराज महाजन ने बुधवार को ये घोषणा की। राज्य ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत कोविड-19 के इलाज के लिए समर्पित 25 अस्पतालों को फिर से चालू कर दिया। कोविड-19 के मरीजों के लिए 5,000 बिस्तर, 2,000 से अधिक वेंटिलेटर, 62 तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और 37 PSA ऑक्सीजन संयंत्र है। मंत्री ने कहा कि इन अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की गई थी। महाजन ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर वह एक दिन में कोविड-19 के 30,000 से अधिक नमूनों की जांच कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।